तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं स्क्रीन पेंटिंग का फुल प्रोसेस। आज का वीडियो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से स्क्रीन पेंटिंग सीख सकते हैं एक ही वीडियो देखकर। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप है यहाँ सोनाकोट पेस्ट बनाने का, कि किस तरीके से सोनाकोट पेस्ट बनाया जाता है और फिर उसको फ्रेम में किस तरह से लगाया जाता है और किस तरह से मैटर खोला जाता है, सारी प्रक्रिया हम बताएंगे, किस तरीके से प्रिंट किया जाता है इसी वीडियो के अंदर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सोनाकोट पेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोटिंग पेस्ट बनाएंगे, तो सोनाकोट आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये एक डब्बा है, खाली डब्बा कोई भी आप ले लेंगे, और एक लकड़ी का टुकड़ा, देखिए ये लकड़ी, या आप पेन वगैरह भी ले सकते हैं, और ये सेंसिटाइज़र लिक्विड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेंसिटाइज़र लिक्विड, ये रहा सेंसिटाइज़र पाउडर, इसको मैंने लिक्विड बनाकर रखा है, दो पाउच 100 ग्राम पानी में मिक्स करके ये लिक्विड बनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो सोनाकोट का जो कोटिंग पेस्ट होता है वो आप बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद फिर हम कोटिंग करेंगे, तो आप भी देखेंगे किस तरीके से हम कोटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ये किस तरीके से कोटिंग पेस्ट बनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खाली डब्बा है और यहाँ पे सोनाकोट, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको मैंने ओपन कर लिया फ्रेंड्स, और इस लकड़ी को थोड़ा इस तरह से साफ भी कर लेना है, और करने के बाद फ्रेंड्स ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी इसमें है थोड़ा सा इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने इसको मिक्स कर लिया, और यहाँ इस डब्बे में तकरीबन हमें 30 ग्राम सोनाकोट लेना है, 30 ग्राम यहाँ तक, देखिए ये निशान दिया हुआ है लेकिन मैं आपको वज़न भी बता दे रहा हूँ, 30 ग्राम लेना है। ठीक है, 30 ग्राम, चलिए मैं इसको यहाँ 30 ग्राम ले लेता हूँ। मैं अपना निशान जो लगा के रखा हूँ ये उंगली में यहाँ रख दिया, और इसको मैं यहाँ गिरा लेता हूँ इस डब्बे के अंदर। लगभग ये डब्बा ख़त्म होने को आया फ्रेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से डब्बे में मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग मेरा यहाँ 30 ग्राम हो ही गया है, देखिए। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा यहाँ 30 ग्राम सोनाकोट, और ये हम बंद कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम सेंसिटाइज़र लिक्विड मिक्स करेंगे 5 ml। ठीक है, और ये जो दवाई वाला ढकनी है, वो दवाई आता है उसका ये ढक्कन है, तो देखिए यहाँ पे 5 ml है। ठीक है, तो 5 ml हमको सेंसिटाइज़र लिक्विड देना है। इसको थोड़ा हम हिला लेते हैं, चलिए इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ 5 ml, देख लेते हैं कहाँ तक है, चलिए यहाँ तक है। देखिए 5 ml हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ दे देता हूँ। चलिए अब मैं इसको क्या करूँगा, अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर लेता हूँ। तकरीबन इसको आप 2-3 मिनट तक इस तरह से आप अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, तो क्योंकि फ्रेंड्स ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसका पेस्ट बनना चाहिए, क्योंकि इसी का एक मेन रोल होता है, अगर ये आपका अच्छे तरीके से नहीं बनेगा तो आपका मैटर जो है परफेक्ट तरीके से नहीं खुलेगा फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें, 30 ग्राम सोनाकोट में 5 ml सेंसिटाइज़र लिक्विड को मिक्स करना है, और 2-3 मिनट तक इस तरीके से आपको मिक्स करना है फ्रेंड्स। तो इसको पहले मैं मिक्स कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ फ्रेंड्स कि किस तरीके से कोटिंग हम करेंगे स्क्रीन फ्रेम पर। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसे मिक्स कर लेना है, देखिए बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। अगर आप स्क्रीन पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो
तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आप शुरू से आखिर तक देखते हैं फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीन पेंटिंग सीख सकते हैं एक ही वीडियो देखकर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, अब हम कोटिंग लगाएंगे अपने स्क्रीन प्रिंटिंग फ्रेम पर। तो चलिए, ये मेरा काम फाइनल हो गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हमारा स्क्रीन पेंटिंग फ्रेम बिल्कुल न्यू फ्रेम है। दो तीन मरतबा सिर्फ कार्ड प्रिंट किया हूँ और बिल्कुल देख सकते हैं वाइट है बिल्कुल कपड़ा, और लकड़ी भी देख सकते हैं वाइट है। तो ये स्क्रीन पेंटिंग फ्रेम फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको अगर आप रेडीमेड ख़रीदते हैं तो खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ से बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कोटिंग पेस्ट करेंगे इसके ऊपर। तो इसको सबसे पहले हम कपड़ा से इस तरह से साफ कर लेंगे फ्रेंड्स, साफ कपड़े से इस तरीके से, ताकि इसमें कुछ धूल मिट्टी ना रहे। इस तरीके से हम साफ कर लेंगे, ठीक है। देखिए लगभग ये हमारा साफ हो गया। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने कोटिंग पेस्ट बनाया था, देखिए ये, इसको क्या करेंगे हम धीरे से थोड़ा थोड़ा हम गिरा लेंगे फ्रेम के ऊपर। देखिए ये इस तरीके से गिरा लिया। और इस तरह का देखिए ये एक कार्ड है, आप चाहे तो पुराना एटीएम कार्ड या फिर कुछ भी ले सकते हैं, या फिर स्केल वगैरह प्लास्टिक का वो भी ले सकते हैं। और इसको इस तरह से खींचेंगे ये इस तरीके से, हल्के हाथों से, ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से, और जो हो इसको यहाँ रख देना है, जो एक्स्ट्रा यहाँ बच रहा है इसमें हम यहाँ इस पर रख देंगे। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मेरा जो चैनल था किचन ग्राफिक्स, तकरीबन उसमें 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, और उस चैनल को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है जो रिमूव कर दिया गया है, ये मेरा दूसरा चैनल मैंने बनाया है। और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन तक जो है ये चैनल मेरा जाए, वीडियो जाए, और वो लोग जो भी है मेरा इस चैनल में शामिल हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है फ्रेंड्स। और अब इस तरफ हो जाने के बाद फिर हम इस तरफ इसको पलट लेंगे, और हम यहाँ हल्का हल्का फिर यहाँ सोना कोट इस पर गिरा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और गिराने के बाद फिर उसी तरह हम इसको इस तरह से खींचेंगे इस तरह से, और जो बच जाता है फ्रेंड्स तो यहाँ हम इस पर डाल देंगे डब्बे में। 30 ग्राम सोना कोट पे आपको 5 ml सेंसिटाइजर लिक्विड मिलाना है फ्रेंड्स, और 2 फ्रेम आप इसमें ले सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से इसको पलट के फिर से इधर हम करेंगे, यानी कि जब तक इसके अंदर आपका आए अच्छे तरह से इसको कर लेना फ्रेंड्स, इसमें आना नहीं चाहिए। देखिए ये बिल्कुल अभी फिनिशिंग के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि तकरीबन 8-10 मिनट लग ही जाता है इसको। इस तरीके से हम कर लेते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करना है फ्रेंड्स, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से इस तरह से लेना है, और इस तरीके से आपको इस तरह से खींच लेना है, ठीक है। मैं यहाँ अपने घर पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रात का समय है, तकरीबन 9:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स, 9:30 होने को आ रहे हैं, ठीक है। तो ठंडी का भी टाइम है, इसलिए मैं घर में बना रहा हूँ, काफ़ी ठंड लग रही है, बाहर काफ़ी ठंडा है, तो ये काफ़ी अर्जेंट है काम, इसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ और आप लोगों के वीडियो भी बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, और इसको पलट के फिर करना है इस तरह से। देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल मोटा पतला कहीं होना नहीं चाहिए, ठीक है, कहीं मोटा कहीं पतला, तो फिर आपका फिल्म बराबर खोलेगा नहीं। और इस तरह से हम
यहाँ रख देते हैं सबको, देखिए इस तरह से बिल्कुल क्लियरली काम करना फ्रेंड्स। जितना सफाई के साथ काम करेंगे, जितना अच्छा कोडिंग करेंगे, आपका फिल्म भी मस्त खुलेगा और छपाई भी अच्छा होगा, फिनिशिंग भी अच्छा होगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से तो फ्रेंड देखिए हमने कोटिंग बिल्कुल कर लिया है और अब क्या करना है, इसको सुखाना है फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो इसको कहीं अंधेरे में, रोशनी में नहीं रखना है और सूरज की रोशनी में नहीं रखना है, बिल्कुल अंधेरे जगह में रखना है, क्योंकि सूरज की रोशनी अगर इसमें पड़ेगा तो फिर आपका फिल्म नहीं खुलेगा फ्रेंड्स, आपका बेकार हो जाएगा। सूरज की रोशनी से बचाना है, जहाँ पर आपका वाइट बल्ब जल रहा हो वहाँ पर आपको ये कोटिंग करना है, ठीक है, अंधेरे में करना है, यानी कि जहाँ रोशनी थोड़ी बहुत आ रही है अपना बल्ब का, ठीक है, वाइट बल्ब का, ठीक है, सूरज की रोशनी इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है, नहीं तो ये आपका फिल्म खुलेगा नहीं। तो अब हम इसको सुखाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपके पास हेयर ड्रायर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं, मैं इससे सुखाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये हो तो आप इससे भी सुखा सकते हैं, तकरीबन 5-10 मिनट तक इसको आप सुखाएँगे, क्योंकि ठंडी का टाइम है तो 10 मिनट लगता है और गर्मी में तो 5-6 मिनट में भी सूख जाता है। तो चलिए हम इसी से सुखाएँगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। दोनों तरफ आपको इस तरह से हवा लगाना है, ये हेयर ड्रायर है, ये अगर आपके पास होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप सुखा सकते हैं, अदरवाइज आप फैन चालू करके भी सुखा सकते हैं, लेकिन ये अगर आपके पास होगा तो बहुत अच्छा होगा। 400 रुपये का है ये, आप चाहे तो खरीद सकते हैं फ्रेंड, कोई ज़्यादा दाम नहीं है, बहुत इजी तरीके से ये सूख जाता है, बहुत ही कम कीमत में आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इधर सुखाया, अब दूसरी तरफ भी हम ले लेते हैं, इस तरह से पलट देते हैं और इधर भी हम इसी तरह से हवा लगा देते हैं। तकरीबन दोनों तरफ आपको इसी तरह से सुखाना पड़ेगा, 5-7 मिनट, ठीक है। जब ये सूख जाता है फिर आपको हम बताएंगे किस तरीके से मैटर को खोला जाता है। फ्रेंड्स ये है लाइट बॉक्स, अब हम इस पर मैटर खोलेंगे। देखिए ये हमारा बटर पेपर देख सकते हैं, ठीक है, और ये लिफाफा, वो शादी कार्ड है और ये लिफाफा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप भी चाहें तो ये लाइट बॉक्स बना सकते हैं, इसमें तकरीबन 9 बल्ब लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बल्ब है। ये लाइट बॉक्स बनाने में तकरीबन 1500-1600 रुपये खर्चा आता है, ठीक है, 1500-1600 में ये लाइट बॉक्स मेरा जो है कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ रख देते हैं और रखने के बाद हम यहाँ स्क्रीन प्रिंटिंग फ्रेम रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लाइट को पहले बंद कर देते हैं, करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ ले लेते हैं ये फ्रेम, देख सकते हैं, और यहाँ पे हम रख देंगे ये जो लिखावट है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ और एक मरतबा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बटर पेपर पे जो लिखावट है, प्रिंट जो हुआ है, ये ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, ये लिखावट जो है ये ऊपर की तरफ रहेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ रख दिया और इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद जाके मैं बिठा देता हूँ अपना फ्रेम, जो स्क्रीन प्रिंटिंग फ्रेम है उसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, इस तरीके से यहाँ मैं रख देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से हमने रख दिया। अब यहाँ पे कुछ वाइट पेपर वगैरह मैं रख देता हूँ ताकि बराबर तरीके से हमारा फिल्म खुले। देखिए यहाँ पे मैंने वाइट पेपर रखा, मैं यहाँ रख देता हूँ और मैं रख दिया इस तरीके से। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक रख देता हूँ ये न्यूज़पेपर, जो रफली पेपर होता है, इस तरह से रख देना है, ठीक है, ये हमने रख दिया। और अब इसके ऊपर जो फ्रेंड्स कुछ वजन वाली चीज़ रखेंगे, तो मैं रेत रखूँगा, रेत जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो बालू वगैरह होते हैं, रेत सीमेंट वगैरह मिक्स करके जो बिल्डिंग बनाते हैं, उस रेत को रखूँगा ताकि बराबर हमारा मेटल बैठ जाए स्क्रीन के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए ये रेत है, 7-8 किलो रेत आपको रखना है इस तरीके से,
इस तरह से फैला देना है। इसको देने का फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि हमारा स्क्रीन और हमारा जो बटर पेपर है वो बिल्कुल इस तरह से चिपक जाए और बराबर तरीके से वो बैठ जाए ताकि अच्छी तरीके से मैटर खुले। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम फैला देते हैं। फैलाने के बाद इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके बैठा देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने रख दिया। और फ्रेंड्स ये तकरीबन यहाँ मैं लाइटिंग दूंगा तो तकरीबन देखिए ये हमारा नया स्क्रीन है। अगर पुराना स्क्रीन मेरा था तो उसमें तकरीबन मैं 6 से 7 मिनट टाइमिंग देता था, लाइट दिखाता था, लेकिन ये नया फ्रेम है तो इसको क्या करूँगा 2 से 2.5 मिनट के अंदर, यानी कि जैसे 2.25 मिनट, 2 मिनट इतना हमको टाइमिंग रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम इसको अभी हम लाइटिंग देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ लाइटिंग दे देते हैं। ठीक है, ये हमने लाइटिंग दे दिया और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हमें दबाना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से दबाएंगे और ताकि ये बिल्कुल हमारा मैटर फ्रेम के साथ चिपक जाए और हम इसमें टाइमिंग देंगे तकरीबन 2.25 मिनट। ठीक है, 2 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम दबाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब 2 मिनट हमारा 2.25 मिनट हो जाता है तो फिर हम इसके ऊपर पानी डालेंगे और आगे का जो प्रोसेस है मैं बताता रहूँगा। तो हल्के हल्के हाथों से दबाना है। ठीक है, इस तरीके से होने को आया है। तो फ्रेंड्स हमारा टाइमिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है 2.25 मिनट। तो चलिए इसको अब हम लाइट को यहाँ से बंद कर देते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से मैं लाइट को बंद कर देता हूँ और इसको मैं हटा लूँगा। हटाने के बाद इस तरह से हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसको भी मैं यहाँ से उठा करके साइड में रख देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैंने उठा लिया और ये हमने उठा लिया। अब इसको जो है मैं बटर पेपर को जो फ्रेंड्स इसको अच्छी जगह पर रख देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसके ऊपर पानी डाल के देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब मैं पानी डालूँगा। देखिए यहाँ पे मैं पानी डाल रहा हूँ, हमारा फिल्म अभी खुल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ये हमने डाला और इस तरह भी मैं डालूँगा। इस तरीके से पानी डालने के बाद इस तरह से थोड़ा हिलाना है। ठीक है, अभी साफ होने लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे खुल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा वाइट वाइट। तो इस तरीके से थोड़ा पानी डालने के बाद आप थोड़ी देर इसको रख देंगे तो आपका जो है बिल्कुल क्लियर तरीके से खुल जाएगा। तो मैं इसको थोड़ी देर रख देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा आप देख सकते हैं फ्रेम बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और भी अच्छी तरीके से इसको देख लेना है। ठीक है फ्रेंड, अगर कुछ थोड़ा बहुत बाकी रहे तो आपको क्या करना है, ये जो पंप है इस तरह का देख सकते हैं, इस तरह से आपको इस तरीके से पंप मार देना है। तो इससे क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा लाइट के। यहाँ रात भी हो चुका फ्रेंड्स, 10 से ज़्यादा लग तकरीबन हुआ होगा टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इधर कोई लाइटिंग वगैरह है नहीं, तो फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ रात को। ठीक है, और ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए फ्रेंड्स। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखिए इस तरीके से, तो फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आओगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ लाइटिंग के आप पास देख सकते हैं। देखिए उधर लाइट जल रहा है और यहाँ देखिए देख सकते हैं बिल्कुल चमक रहा है ये चांदी की तरह। हमारा मीटर जो बिल्कुल खुल चुका है। अगर आपको लगे कि कहीं कुछ बाकी है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप पंप लेंगे और इस तरीके से आप इस तरह से पंप करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से, ठीक है इस तरीके से। ताकि बिल्कुल क्लियर तरीके से खुल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा मैटर बिल्कुल खुल चुका है। तो अब इसको हम क्या करेंगे,
अच्छे तरीके से इसको पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरह से सुखा लेंगे। उसके बाद फिर किस तरीके से प्रिंट किया जाता है मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा फ्रेम बिल्कुल सूख चुका है, और जैसे कि आप लोगों को मालूम है रात को मैं इसको फिल्म खोला था और आपको बताया भी था, और अभी सुबह हो चुकी है तो मैं अब इस पर प्रिंट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रेम हमारा सूख चुका है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ चारों तरफ टेप लगा देंगे ताकि जब हम कलर खींचें तो इसके अंदर ना चला जाए। तो ये देखिए ये ग्रे कलर का आपको टेप दिख रहा होगा, ये 1.5 इंची वाला है चौड़ाई, तो मैं इसको लगा देता हूँ। जैसे मेजरमेंट ले लेना है, ठीक है, और इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टेप। चारों तरफ लगा देना फ्रेंड्स ताकि बिल्कुल हमारा कलर जो है इधर उधर कहीं पास ना कर पाए बाहर की तरफ। उसके बाद मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। इस तरह से टेप लगा देना है फ्रेंड्स, ठीक है, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है टेप, 30-40 रुपए का आता है, बड़ा भी अगर लेंगे तो इससे ज़्यादा कीमत पड़ेगा बड़ा वाला, ठीक है। अगर आप टेप नहीं लगाएंगे तो आपका कलर जो है साइड की तरफ से लीक करेगा, फिर आपका कार्ड ख़राब होने लगेगा, तो सेफ्टी के लिए जो है हम ये लगा देते हैं ताकि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा काम हो। फिनिशिंग ही जो है फ्रेंड्स, अगर आपका काम में फिनिशिंग रहेगा तो कस्टमर जो है आपका पास ज़्यादा आएगा, क्योंकि कस्टमर को फिनिशिंग भी चाहिए और काम भी परफेक्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो बंदा अपने को पैसे देता है तो उसके लिए हमें तो अपना सफाई वगैरह का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने चारों तरफ टेप लगा दिया है, और लगाने के बाद अब हम इसको फिट करेंगे अपने सिकंजे पे छापने के लिए। तो चलिए हम इसको सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं छपाई के लिए, तो देखिए ये हमारा सिकंजा है, ठीक है, इस तरीके से, और ये पेपर का थोड़ा मोटा यहाँ बना करके दे देना है आपको पेपर, और ये फ्रेम हमारा देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कार्ड को प्रिंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लगा देते हैं, और मैं यहाँ पर कार्ड मेजरमेंट ले लेता हूँ। तो देखिए ये हम यहाँ ले लेते हैं, कार्ड को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे फिक्स कर लूँगा पहले, ठीक है, इस तरीके से। उसको बिल्कुल सेंटर में बैठाना है फ्रेंड्स, डिज़ाइन को जो है कार्ड के सेंटर में आना चाहिए, जो भी मैटर हमने यहाँ पे फिल्म खोला है, ठीक है, ये तकरीबन हमारा सेंटर में आ चुका है। तो अब क्या करेंगे इसको हम निकाल लेते हैं, और यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका मेजरमेंट हमको बिठा देना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ये टेप है, ये वाला टेप, यहाँ से इस तरह से ले लेना है, मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने लगा दिया, और ये पेपर टेप है, आप चाहे तो पेपर वगैरह भी गोंद लगा करके लगा सकते हैं। तो मैं रेडीमेड वगैरह ले लेता हूँ, ये इस तरीके से हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे, देखिए ये हमने लगा दिया, और को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये हमने लगा दिया, ये देखिए, चलिए ये बराबर हम चिपका देते हैं, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स अब यहाँ कार्ड इसको हम क्या छपाई के वक्त फटाफट इसको उठा सकते हैं और इस तरह से
यहाँ लगा सकते हैं इस तरीके से, ताकि हमारा हर कार्ड जो है बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट में आए। ठीक है, ये हमने लगा दिया फ्रेंड्स। अब हम स्क्रीन को यहाँ टाइट करेंगे। देखिए ये हम स्क्रीन को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए सेंटर में आ चुका है ना। और अब जो है हम यहाँ से शिकंजा को टाइट कर देंगे। देखो शिकंजा को हम यहाँ से टाइट कर दिया। तो इस तरीके से आपको शिकंजे को टाइट कर लेना है, मैंने कर लिया। और इस तरह से आपको फ्रेम को दबा करके देख लेना है इस तरह से, कि हमारा जो कपड़ा है ये स्क्रीन हमारा मीटर के साथ बिल्कुल टच तो नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होना चाहिए। देखिए इस तरीके से उंगली से दबाने से दबना चाहिए। अगर बिल्कुल टच हो जाएगा तो फिर आप जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आपका ख़राब आएगा, बिल्कुल सटना नहीं चाहिए। देखिए अगर बिल्कुल आप चिपक जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेपर रख के हल्का सा ऊपर की तरफ रखना है इस तरह से, तो इस तरह से ऊपर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ऊपर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं अभी कलर डाल के दिखाऊँगा। तो इससे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक देखिए यहाँ पर ये कार्ड का डिज़ाइन है और ये यहाँ पर लिफाफा का है, तो मैं पेपर से थोड़ा बंद कर देता हूँ ताकि कलर जो है लिफाफा की तरफ ना चला जाए। तो भी मैं यहाँ पेपर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इस कवर का जो डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि कलर जो है उधर ना चला जाए। पहले मैं कार्ड को पेंट करूँगा। देखिए इस तरह से पेपर को रख देना है, यहाँ मैंने रख दिया। और फिर मैं टेप मार देता हूँ। ये हमने मार दिया टेप, थोड़ा सा ये बाहर आ गया है फ्रेंड्स। मैं और एक टेप मार रहा हूँ। चलिए ये हमने मार दिया फ्रेंड्स। चलिए ये हो गया। अब फ्रेंड्स हम यहाँ एक पेपर रख देते हैं पहले, उसके बाद हम प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा प्रिंट बिल्कुल क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पहले पेपर रख देते हैं, वाइट पेपर। ठीक है, ये हमने रख दिया फ्रेंड्स। इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्क्रीन प्रिंटिंग का फुल प्रोसेस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमने बिठा दिया और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये रेड कलर से प्रिंट होगा। तो ये कलर आप देख सकते हैं, ये रेड कलर है। इसको मैं ग्लोसी कलर है ये, क्योंकि ये पेपर जो थोड़ा ग्लोसी टाइप का है और ये कलर मैट भी आता है। ठीक है, मैट के लिए। और ये ग्लोसी पेपर है तो ग्लोस इंक है। और इसको मैं थोड़ा हल्का सा ब्लैक मिला के थोड़ा सा मरून किया हूँ, ज़्यादा डार्क किया हूँ। और इसमें ये थोड़ा गहरा था तो ये पेंजिल है, मैंने बड़ा डब्बा से निकाल के रखा, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पेंजिल लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप रिड्यूसर यूज़ कर सकते हैं या फिर नाइट्रो या पेंजिल। तो यहाँ पेंजिल ज़्यादा अवेलेबल है तो मैं पेंजिल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा अगर गाढ़ा हो तो आपको ये पेंजिल इसमें मिक्स करके इसको पतला कर लेना है इतना। देखिए ज़्यादा ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, देखिए देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पहले डाल लेता हूँ। ठीक है, मैंने डाल लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्यूजी है। ठीक है, और इसको जो है फ्रेंड्स मैं इसको पहले कलर को जो है इस तरह से खींच लेता हूँ ताकि कलर हमारा आर पार हो जाए। चलिए मैंने कर लिया और अब मैं प्रिंट करता हूँ कि हमारा प्रिंट कैसा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैंने किया और अब देख लेते हैं कि हमारा प्रिंट कैसा आता है। तो फ्रेंड्स देखिए प्रिंट आ रहा है। ठीक है, तो अब हम कार्ड को प्रिंट करेंगे। तो
तो चलिए हम कार्ड को भाई प्रिंट करते हैं। ये हमारा प्रिंट बिल्कुल क्लियर है ना, तो चलिए अब हम यह कार्ड लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रिंटिंग का क्वालिटी देखिए अच्छा ही है, ठीक है। और अभी जब प्रिंट करता जाऊंगा तो और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको मेजरमेंट पे रखना है और इस तरह से कलर लेना है और इस तरह से आपको खींच लेना है फ्रेंड्स। अभी और भी ये धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं और भी थोड़ा कलर डाल देता हूँ, ठीक है। बहुत स्पीड में फ्रेंड्स ये प्रिंट होता है। देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से आप भी प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा कीजिए। वीडियो को अगर स्किप कीजिएगा तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे यार ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स सीखने में। एक महीना अगर आप दिल लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको भी आ जाएगा स्क्रीन प्रिंटिंग। और आप प्रिंट क्वालिटी आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है और बेहतरीन जो है प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं एक दो चार और भी प्रिंट करके दिखा देता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि सेम प्रोसेस है। आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से सीखिए, कम खर्चे में ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। और मेरा पहला वाला जो वीडियो मैंने डाला हुआ था, जो पहले वाला चैनल था मेरा, वो मेरा रिमूव कर दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि मेरे पुराने सब्सक्राइबर तक मेरा ये चैनल पहुंच जाए, ताकि मेरा पुराना सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ जाए फ्रेंड्स। क्योंकि मेरा 5000 पहले सब्सक्राइबर था पहले वाले चैनल में, मैंने ये दूसरा चैनल बनाया फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से आप भी प्रिंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर क्या आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे पता ये होगा कि मुझे भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, सीखते रहिए।